चलो, सो इट इज एसिड बेस इन सॉल्ट. वी वर एट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स बिफोर वेकेशन. आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट प्रॉपर्टी. द एसिड्स डू रिएक्ट विद द मेटल फर्स्ट. विद द मेटल, एनी मेटल व्हिच इज अबव द इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन विल डेफिनेटली replace that hydrogen from the acid. You can take any metal like the dilute sulfuric acid. Theek bete, it will release a salt giving you hydrogen. The salt doesn't mean always bete common salt. Salt means the salt is always formed by the acid and base reaction. Okay, there are different kind of salt, acidic, basic or neutral, depending your acid is strong one or base is a strong one or both are strong one or both are weak one. ठीक, salt वो चीज़ है जब acid और base दोनों react करते हैं तो जो ये acid इसमें, अब इसमें base तो नहीं है मगर zinc को जब आप water पे डालोगे तो zinc hydroxide देगा. तो जब zinc hydroxide देगा तो इसका जो ये positive component है वो zinc बन जाएगा, that is a cation. और ये नेगेटिव कंपोनेंट है जो है सल्फेट है. ये दोनों कंबाइन करके जो आपको चीज देते हैं वो सॉल्ट है. मींस आपका जो बेस है दैट इज यूज्ड टू गिव अ पॉजिटिव, दैट इज अ केटायन रेडिकल, दैट इज अ पॉजिटिव वन, एंड द नेगेटिव रेडिकल कम फ्रॉम एन एसिड ऑलवेज. बट नाउ वी हैव टेकन एज अ मेटल सो वी गेट अ सॉल्ट हियर and giving us hydrogen gas. And you very well know we have done so many times how to detect hydrogen gas by burning a lint or candle and anything, and it will burn with a pop sound. Theek? In the same way, very important bete, iron with HCl. This is for the NTSC class students. Okay? It will give you FeCl2 plus hydrogen. It will not give you FeCl3 bete. Yes, it is. Don't give you FeCl3. Remember, जो FeCl2 होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है and further iron की oxidation. This is a kind of a oxidation also. You see, iron is in a zero state. It doesn't have combined in any. This is called बेटे elementary state. This is an elementary. Elementary state वो state होती है जिसमें एक element exist करता है. ठीक, तो उस टाइम वो कितनी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है वो जीरो. ओके, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वी हैव डन रिडॉक्स. ठीक है, रिडॉक्स में हमने क्या सीखा, ऑक्सीडेशन क्या होती है, इंक्रीज इन द दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई कैन से देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटे, नेगेटिवली चार्ज है. लिसन टू मी केयरफुली, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज. अगर किसी में से नेगेटिविटी बाहर जाएगी तो पॉजिटिविटी उसके ऊपर आएगी. तो जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आती जाएगी, हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज होता जाता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स दिस फिनोमिनन. ठीक, रिडक्शन क्या थी, इफ यू रिमेम्बर आई हैव टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, जब गेन करेंगे तो क्या गेन करी उसने, नेगेटिविटी. तो अगर जीरो है तो नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, अगर कुछ नेगेटिव में पड़ा है तो और नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो जीरो की तरफ. इंटीजर लाइन देखा करो, ये जीरो है, इसमें अगर नेगेटिव ऐड करते जाओगे इधर जाता जाएगा, अगर पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करोगे इधर जाता जाएगा. अगर ऑक्सीडेशन है बेटे, ऑक्सीडेशन जब किसी की होती है तो देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. There is loss of electron, and then when there is a loss of electron, negative charge decrease करेगा. अगर ये zero है तो positivity किस तरफ है, इस तरफ. तभी हम iron इसमें zero state में है. अगर ध्यान से देखो, ये positive two में गई, इसकी oxidation भी हुई यहाँ पे. So जब आप acids को सारे concept को एक दूसरे से relate किया करो, don't cram when you are doing acid with metals. You should know there is certain kind of oxidation reduction is going on. You should know this, then only you can learn more of the chemistry. theek hai, so iron plus HCl give you ferrous chloride. This is a ferrous chloride or iron second chloride giving you hydrogen gas. Any metal with any acid, but metal
should be above the reactivity series. It is below no reaction. No reaction. Yes, copper is reacting with concentrated, no doubt, with the sulfuric acid, but it will give you sulfur dioxide as a byproduct. It will do the higher standards. यानी कि ये रिएक्ट नहीं करता कॉपर बीइंग बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. मगर आप कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करोगे तो आपको सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है. वो एनटीएससी व्हेन यू विल डू आई विल टेल यू. ठीक है, तो दीज आर द वेरियस रिएक्शन यू शुड रिमेम्बर. एनी एसिड विद एनी मेटल बट द कंडीशन इज above in the reactivity series will give you salt and liberating hydrogen gas. Got the point, bete? Okay. Now, when these acids, are reacting with the base, I have told you before also, the reaction is known as you are doing in the 9th standard, 8th standard too. Are you writing? See, Arman, you are that topic which haven't been started. If you want to dilute it, you will add acid into water. I'll tell you, we have not reached there. Okay, when we will reach, and this kind of question will come in the exam also. So with the acid plus base, give always you salt and water. And this reaction is basically known as neutralization reaction. See, हमने layman language में इसको neutralization सीख तो लिया. क्या हमने हमेशा देखा ये neutralization होती है या नहीं? अगर हमारा acid, I'll write acid first. If my acid is this, my base is this, then I will get salt and water. Okay, salt and water. Now this salt is a neutral salt. Why this salt is a neutral salt? Because I have taken both strong acid and the strong base. Okay, this is a strong acid, bete. This is a strong base. Now here I want to tell you what are the strong acid or a strong base or a strong. These are known as electrolyte too. These are electrolytes. This is also electrolyte. This is also electrolyte. This is also electrolyte. It is a strong acid. ठीक है, अब इसमें ये भी कवर कर लो आप. इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और ये चाहे सॉल्ट है. दिस इज अ सॉल्ट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अब ये जो तीनों चीजें ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बेटे ये इनको जब वाटर में डालते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं. मतलब ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस देके. और जो एसिड है वो कौन से आयन देता है बेटे? एच पॉजिटिव, विच विल फर्दर कंबाइन विद वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन दैट विल डू फर्दर. ये कौन से आयन देगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव. ठीक है, अब अगर इसको वाटर में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटी जी? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. व्हाट द पॉइंट? इसको वाटर में डालोगे तो इट विल कंप्लीटली डिसोशिएट टू गिव यू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो जो कंप्लीटली डिसोशिएट या आयोनाइज पूरी तरह टूट जाते हैं, ठीक, पूरी तरह टूट जाते हैं क्योंकि दे विल गेट हाइड्रेटेड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी विल रिलीज. तो ये पूरी तरह टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन. तो इन्हें स्ट्रॉन्ग में कंसीडर किया जाता है क्योंकि जब वो ब्रेक डाउन करेंगे अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे. अब उनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये H+ दे रहा है वाटर में जाके. माइंड इट, इन द एक्वस सॉल्यूशन ओनली.
इन द गैशियस फेज इट विल नॉट आयोनाइज. अगर आपके पास HCl गैस है बेटे, इट विल नॉट एट ऑल आयोनाइज और आपका ब्लू लिटमस रेड नहीं होगा. ठीक है, अगर HCl को वाटर में डालोगे तभी आयोनाइज होंगे. तो इन सब को हम स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखते हैं कि जो कंप्लीटली आयोनाइज. आपसे पूछा, कोई पूछे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड व्हेन दे विल बी पुट इन वाटर और व्हेन द सॉल्यूशन हैज बीन मेड इन वाटर, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देम, दे विल आयोनाइज कंप्लीटली. ठीक, व्हेन दे विल आस्क्ड व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस, सेम यू विल गिव, यू सेम द आंसर यू आर गिविंग, दे विल कंप्लीटली आयोनाइज. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दे विल आयोनाइज टू गिव एच पॉजिटिव, दे विल आयोनाइज टू गिव OH नेगेटिव. ठीक बेटे, दे विल आयोनाइज टू गिव एच पॉजिटिव विच विल फर्दर फॉर्म हाइड्रोनियम कंबाइनिंग विद द वॉटर, दे विल गिव यू OH नेगेटिव. नाउ दिस इज द अदर कंसेप्ट, वट आर एसिड्स एंड अ बेस, दिस इज नोन एज आर्हेनियस कंसेप्ट. In class 11th, you will do so many concepts. Theek, one of the concept, this is just telling us which is acid, which is base. Now here I am writing. And collectively, the concept which is telling us which is acid, which is a base. Base is what? Which give OH negative. Acid is what? Which is giving H positive, which is further combining with water to form hydronium ion. ठीक बेटे, ये जो concept है जो हमें ये बताता है कि acid वो चीज है जो H plus देता है और base वो चीज है जो OH negative देता है, उस concept को कहा जाता है Arrhenius concept. उस कंसेप्ट को कहा जाता है जी आर्हेनियस कंसेप्ट. ठीक बेटे, एसिड गिव एच पॉजिटिव, बेस गिव OH नेगेटिव. ठीक है, ये कंप्लीटली आयोनाइज, जो चीज चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है चाहे कोई भी सॉल्ट है, जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इसको ब्रॉडर टर्म में आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए. You will be in the next year medical or non-medical aspirants. So these are pretty strong electrolytes. Strong electrolytes. So what are strong electrolytes? अगर आपसे पूछेगा कोई, तो it can be salt, acid, base, but they should completely ionize. अब salt कौन से completely ionize होंगे? वही सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज होंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग चीज होगी, जिसमें वीक होगी तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे. अगर मैं सोडियम एसीटेट ले लूं तो इट विल नॉट कंप्लीटली आयोनाइज. तो ये हमने क्या सीखा अभी, व्हाट वी आर एट एसिड एंड बेस रिएक्शन. कोई भी एसिड याद रखो बेटे बेस के साथ कंबाइन होता है तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलती है, और जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं या वीक एसिड, दिस इज ऑल्सो एन एसिड, एंड दिस इज अ वीक बेस, लाइक आई हैव टेकन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आई विल गेट अमोनियम एसीटेट. ठीक है, आई विल गेट अमोनियम एसीटेट. इफ आई एम गेटिंग अमोनियम एसीटेट बेटे, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ वीक बेस. वीक एसिड एंड अ वीक बेस, इट विल बी ऑल्सो न्यूट्रल, क्योंकि ये वीक दोनों वीक वीक से आया है, दोनों वीक वीक से आया है तो न्यूट्रल बनेगा. ये भी आप बात समझो, तभी इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. देखो, अगर मैं 10 ml HCl ले लूं, सेम उसकी पावर है जो मेरा ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, और 10 ml NaOH ले लूं जो मेरा रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, उन दोनों को मिक्स करूंगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. दैट इज वाई न्यूट्रलाइजेशन. अब ना ब्लू लिटमस रेड होगा ना रेड लिटमस ब्लू होगा. क्यों? जब ये NaCl बनेगा ये फर्दर टूटेगा, ये क्या देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. या वाटर टूट रहा है किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, देखा जाए
तो वही आयंस हैं जो पहले थे, क्योंकि ये भी कंप्लीटली डिसोशिएट कर गए थे और ये भी कंप्लीटली डिसोशिएट कर गए। इन द सेम वे दिस वन, दिस यू शुड रिमेम्बर बेटे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमने पीएच करना है, ठीक है। उसके बाद और मैं एक ऐसा एसिड लेती हूँ जो स्ट्रॉन्ग है, मगर ऐसा बेस लेती हूँ जो वीक है। लाइक आई हैव टेकन बेटी HCl, बट माई बेस इज वीक, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आई हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, द स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी, अभी तक आप याद रखो, फिर धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे अपनी नॉलेज। एक ये याद रखो, एक ये याद रखो, उसके बाद मैं और एड करती रहूंगी, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग वन। धीरे धीरे वी विल एड मोर, ठीक। रिएक्टिंग विद द वीक बेस, वीक बेस अमोनिया से आया है, अमोनिया, दिस इज अमोनिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी आता है कि अमोनिया, राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाई अमोनिया इज अ बेस, राइट डाउन है बीच बीच में क्वेश्चन, आपकी 10th CBSE बोर्ड के कवर आप करो। व्हाई अमोनिया इज अ बेस येट इट डजंट हैव OH नेगेटिव, एज अकॉर्डिंग टू RNA's कंसेप्ट, the base is that ammonium acetate, ammonium ethanoate, arman two names you can write, ammonium acetate or ammonium ethanoate, anyone, theek hai, there is a common name, there is IUPAC name, write down ammonium acetate, for you it is, the previous reaction has ammonium acetate, so this ammonia, I was at the question, write down the question, but important one, write down the star. Why ammonia is considered as a base yet it doesn't have OH negative ion? So your answer lies, see, if you were in the class plus one, so me kehte ye Lewis base hai. Now you are not aware of that Lewis base and or acid concept. Ab class 10th mein isi ko kaise answer karenge? Ammonia is a base as it dissolves in water to give ammonium hydroxide which have OH negative ion and thus it act as a base. Very important, why ammonia is considered as a base, theek bete, acid wo jo H plus de, remember, base wo jo OH negative de, remember, ab isme hame OH negative nahi dikh raha, तो इसको हम बेस क्यों बोलेंगे? आप इसको बेस इसलिए बोलोगे क्योंकि जब ये वाटर में जाएगा, जब ये वाटर में जाएगा तो ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब ये OH नेगेटिव दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, तो ये एक बेस है, दैट इज व्हाई इट इज अ बेस। सो HCl रिएक्टिंग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब हमारी ये क्या बन रही है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन, दिस इज एसिड एंड अ बेस रिएक्शन। तो हमारा एक तो वाटर बनना है, वाटर कहां से बनेगा, ये OH देगा, बेस ने OH देना है, एसिड ने H देना है, जी ये क्या बन जाएगा, वाटर। और ये बाकी क्या बचा मेरे पास, NH4 जो पॉजिटिव पार्ट है, Cl नेगेटिव जो नेगेटिव पार्ट है, तो ये क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अगर अब आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है, आगे हम सॉल्ट करेंगे, तो आपने सॉल्ट को डिवाइड करना होगा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट में। तो ये बेटे जी एक एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि जो बेस है वो वीक है और जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का बेटे सॉल्ट है वो एक एसिडिक नेचर शो करता है, बेसिक नहीं, तो इसे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। आपने तोड़ के देख लेना है, पॉजिटिव चीज के साथ OH नेगेटिव लगा देना है,
नेगेटिव के साथ HCl लगा देना है, तो आपने ये देखना होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट मिलता है दैट इज वन एसिडिक. वी विल डू फर्दर अगेन एंड आई विल रिपीट अगेन द कंसेप्ट. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू नाउ, बिकॉज वी आर डूइंग एसिड प्लस बेस रिएक्शन एंड वी आर टेलिंग इट एज ए न्यूट्रलाइजेशन. नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. इट इज नॉट ऑलवेज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. We are not getting the neutral product. We are getting acidic product here. Okay, bete? In the same way, if we take weak acid, let me take a weak acid, like acetic acid. It is a weak acid. And let me take now a strong base, like NaOH, sodium hydroxide. Let me write the name here. Ethanoic acid or acetic acid. It is sodium hydroxide. What will it give you? CH3COONa plus water. ये OH देगा जी, ये H पॉजिटिव देगा. अब क्या बचा? CH3COO और इसका क्या बचा? Na. अब ये बेटे स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके जो सॉल्ट बनाएंगे वो एक बेसिक सॉल्ट होगा. तो अभी हमने अभी तक ये सीखा था टिल 8th स्टैंडर्ड कि एसिड एंड बेस जब भी रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है. बिल्कुल सही सीखा. ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. अब मगर हम ये देख रहे हैं ये न्यूट्रलाइजेशन तभी होगी जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस होगा. नहीं तो हमें तो बेसिक चीज मिल रही है या हमें एसिडिक चीज मिल रही है, डिपेंडिंग. ओके, सो जब एसिड और बेस, अभी तक आप ये याद रखो, कोई भी एसिड और बेस की रिएक्शन आ जाए तो आपको क्या बनाना है जी? सॉल्ट एंड वाटर बनाना है. सॉल्ट का कंसेप्ट हम आगे फिर से लेंगे क्योंकि अभी हम पहुंचे नहीं वहां पे, तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन देयर. ओके बेटे, जस्ट टू टेल यू द ग्लैंड्स व्हाट आर सॉल्ट. NaCl ने अकेला सॉल्ट होता. सॉल्ट वो है जो एसिड और बेस. एसिड कौन सा पोर्शन देता है हमेशा याद रखो, नेगेटिव. बेस कौन सा पोर्शन देता है हमेशा? पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या होते हैं? कैटायंस. नेगेटिव क्या होते हैं बेटे जी? एनायंस. ओके, अब जब हमारा बेस कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट का हो तब हम क्या करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. आई एम टेकिंग दिस एसिड and I am taking this carbonate. Okay? जब है तो ये भी बेटे एक बेस ही, वीक बेस है कार्बोनेट. क्यों वीक बेस है? अब अगर ध्यान से देखो ये किससे आया है, अगर मैं इसको ही देखूँ ये किससे आया होगा? ये NaOH से आया होगा. ये किससे आया होगा? ये कार्बोनिक एसिड से आया होगा. देखो है तो ये भी सॉल्ट ना, जिसको हम कह रहे हैं बेस. अब कार्बोनेट सॉल्ट क्यों? क्योंकि ये एक बेस से आया है. ये इन दोनों की रिएक्शन से आया है, इन दोनों की. अब ये तो एक वीक एसिड था, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमें ऐसा सॉल्ट मिला जो कि एक की करैक्टरिस्टिक क्या है? एक बेस की. ऐसा सॉल्ट मिला जिसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगी? बेस की. क्यों? ये आया किससे है? अगर इसके पीछे में जाओ तो ये आया है बेटे स्ट्रॉन्ग बेस से और एक वीक एसिड से. अब जब एक बेस को आप एसिड से रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? हमें एज यूजुअल पहले तो एक सॉल्ट मिलेगा,
और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, आप बैलेंस करोगे अपने आप। और मगर ये कार्बोनेट साथ में लिखा हो बेटे, इफ द कार्बोनेट इज रिटन हियर तो साथ में क्या बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हु विल बैलेंस इट, हरी अप, हु विल बैलेंस इट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, हु विल बैलेंस इट, रेज योर हैंड। लाइकवाइज सोडियम बाइकार्बोनेट, बैलेंस करो, रेज करो हैंड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, आई एम अगेन टेकिंग HCl, अगेन सेम थिंग विल बी फॉर्म्ड, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग यू, सॉरी पहले तो वाटर बनाऊ, सो गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, यू हैव बैलेंस्ड एनी वन ऑफ यू, और आई विल म्यूट यू, अनम्यूट यू देन, हरी अप। यस दवनेश, मैम HCl दो है, HCl टू है, ओके, NaCl भी दो, यस, इट इज बैलेंस, यस बेटे, देयर आर टू सोडियम हियर, देयर इज वन कार्बन हियर, सो एज हियर, देयर आर थ्री ऑक्सीजन हियर, सो एज हियर, टू हियर एंड वन हियर, देयर आर टू हाइड्रोजन हियर एंड देयर इज ऑल्सो टू हाइड्रोजन हियर। Now this section is balanced or not? Hurry up! आपको balancing नहीं आती, मैंने कहा साथ साथ सीखो, balancing देखो क्या होता है balancing। कभी आप वो सब्जी लेने गए मम्मा के साथ, इधर से कम कर दो, इससे ज्यादा कर दो, इक्वल करने हमने, जल्दी करो, ये देखो बैलेंस है, शुरू कर दो, Na1 हाइड्रोजन, वन हियर, वन हियर, टू हाइड्रोजन, टू कार्बन, वन कार्बन, वन ऑक्सीजन, थ्री ऑक्सीजन, थ्री, टू प्लस थ्री, वन, थ्री, क्लोरीन इज वन, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्लोरीन इज वन बैलेंस ऑलरेडी, ओके। तो आपने अभी तक, फिर हमने रिकॉल किया एसिड्स पे ही रह गए हैं, तो एसिड्स क्या हैं, एसिड्स वो हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दें, जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएं, और अगर आपके पास कार्बोनेट बाई कार्बोनेट्स हैं तो साथ में क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके ठीक है। एक और रिएक्शन है वो भी कर ही लें, these 5 minutes remaining from in the meeting। अगर मैं अकेला मेटल ना लेके मेटल की ऑक्साइड ले लूं तो क्या होगा, एनीवन, इफ आई टेक मेटल ऑक्साइड लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिएक्ट विद HCl, व्हाट विल हैपन, मेटल को जब हमने एसिड से रिएक्ट किया तब क्या हुआ, हरी अप, मेटल को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तब क्या हुआ बेटे, रेज योर हैंड अदरवाइज यू विल बी अनम्यूटेड। अदिति, अंकिता, अर्शीन, वेयर आर यू, ऑल ऑफ यू, हाँ जी, यू विल रिएक्ट मेटल विद एन एसिड, व्हाट विल यू फॉर्म, ऑल आर स्लीपिंग समवेयर, इन दिस रिएक्शन यू विल फॉर्म, यस, ओके, अर्शीन इज रेजिंग द हैंड, यस, only metal plus acid kya banega, yes you can speak bete, hurry up, the meeting is going to end, hurry up, hurry up, yes khushi, yes, all are giving the answers but not, to hamare paas ek salt banta hai bete aur saath mein hydrogen gas, मगर अब इस हाइड्रोजन गैस को क्या मिल गई,
ऑक्सीजन मिल गई तो साथ में हमें वाटर मिल जाएगा, साथ में हमें वाटर मिल जाएगा, इजंट इट? साथ में हमें वाटर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो हमने क्या सीखा, एसिड को हम किस किस के साथ एक्ट कर सकते हैं, मेटल की, उनकी ही ऑक्साइड के साथ, क्योंकि मेटल की ऑक्साइड बेसिक ही होती हैं। मतलब बेसिकली हम बेस से ही रिएक्ट करी जा रहे हैं, फिर बेस के साथ कर सकते हैं, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के साथ कर सकते हैं, एंड वाइल यू आर एक्टिंग विद कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है आपको ये भी पता होनी चाहिए, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्क ही, क्यों करेगी, बिकॉज जो मिल्कीनेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में है, मगर आपने एक्सेस में नहीं पास करनी, यू विल पास इन द एक्सेस, फिर से क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, वो किसका बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए बेटे, 10th क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, यू हैव सीन पीरियोडिक टेस्ट 1, तो आपको इनडायरेक्ट जाना आना चाहिए अभी। दिस पेपर वॉज सिंपल, ग्रेजुअली द पेपर विल गेटिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट, एंड इन प्री बोर्ड इन आवर स्कूल देयर इज नॉट ईजी स्कोप। ओके, सो विल मीट टूमोरो and we'll start with the base and acid I have told you, and yes definitely Arman's question, how will dilute acid, okay, this is the question we'll do, and why should we